तो फिर हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको ज्यादा प्लस कैसे मिलेगा। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि आज की तारीख में आपको कॉन्क्रीट का टाइटल कितने पॉइंट पर मिलने वाला है। देन इस वीडियो को एंड तक देखना है और मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना है। अब भाई देखो फिलहाल क्या सीन है कि प्लस तो मिल रहा है लेकिन भाई हैकर भी अच्छे खासे आ रहे हैं और भाई यहाँ पर आपके पास इवेंट भी नहीं है, मतलब कि आप मर गए तो सीधा माइनस। अब भाई इवेंट होता तो आपके पास रिकॉलर भी होता लेकिन रिकॉलर इस बार है नहीं। तो गाइज अगर आज आप सोलो में रैंक पुश कर रहे हो तो आपको 4500 पॉइंट लगाने पड़ेंगे सोलो में, लेकिन अगर आप डुओ में रैंक पुश कर रहे हो ना तो भाई देखो डुओ में आपको कम से कम एस मास्टर लगाना है। अगर आप स्क्वाड में रैंक पुश कर रहे हो तो एस डोमिनेटर। अगर आपकी रैंक रात को 12 बजे तक 400 के आसपास में आ जाती है ना तो आपको इजी मॉर्निंग तक कॉन्क्रीट का टाइटल मिल जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत देखते रहना है। रैंक अगर ज्यादा बढ़ती है तो आपको फिर से थोड़ा बहुत खेल लेना है, लेकिन रात को थोड़ा संभल कर खेलना। हैकर अच्छे खासे आ रहे लेकिन हैकरों से बचना कैसे और आपको एक अच्छा प्लस कैसे निकालना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो गाइस देखो जो फिलहाल अभी ना एस के ऊपर जिनका टायर हो चुका है, जिनकी रैंकिंग 1000 के आसपास में, अब उनको कैसे खेलना है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, ठीक है। अब उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर माइनस का है ना तो भाई बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो सकते हो। देन भाई उनको क्या करना है, कम से कम 3 से 4 जोन बार होल्ड करना है, ठीक है। आपको थोड़े बहुत बैंडेज ले रखने हैं, बैंडेज लोगे तो भाई आप बैंडेज लगा के भी इजी आप 4 जोन तक सर्वाइव कर सकते हो। भाई जब मैं कॉम्पी खेलता था तो भाई इतना ज्यादा छोटा जोन होता था, उसमें भी अच्छा खासा हिल बैटल करके भी अच्छी खासी पोजीशन निकाल लेता था। अब भाई ये तो रैंक पुश है, बहुत ज्यादा नॉर्मल लगता है रैंक पुश में। तो भाई कॉम्पी में जिस लेवल पर हिल बैटल होता है और भाई उसमें तो जोन का डैमेज भी ज्यादा होता है, तो भाई इसमें तो आप इजी कर सकते हो। कम से कम 4 जोन बार होल्ड करना है अगर आपको सेफ खेलना है, ठीक है। आपको जल्दी से जल्दी कॉन्क्रीट लगाना है, लेकिन लगता है कि नहीं मैं फाइट ले सकता हूँ, अच्छे से आप फाइट ले सकते हो तो एस टू एस भी खेल सकते हो। लेकिन अगर आप सेंटर होल्ड कर सकते हो, हैकरों को मार सकते हो, आपके पास अच्छा डिवाइस है तो ही भाई सेंटर होल्ड करना है, वरना भाई सेंटर में जाती है आपके लोड़े भी लग सकते हैं। अब भाई देखो ज्यादातर हैकर क्या करते हैं कि एक अच्छा खासा कंपाउंड होल्ड कर देते हैं, आसपास से जितने भी रोटेशन जाते हैं ना अब उनको वो मार देते हैं। इसलिए भाई जितना हो सके ना आपको ना सेंटर अवॉइड करना, कितना भी अच्छा क्यों नहीं खेल रहे हो अगर आपका कॉन्क्रीट लगने वाला है तो रिस्क क्यों लेते हो। तो थोड़ा बहुत अगर बार भी होल्ड करते हो, 3-4 जन बार भी होल्ड करोगे 100% आपका कभी भी माइनस नहीं लगेगा। और हो सके ना तो आप छोटे छोटे कंपाउंड में जाया करो और जब भी जाओ थोड़ा देख कर जाना है, ठीक है। और लूट करने जाओ तब खास कर ना आपको वहाँ पे गाड़ी घुमाना है, वरना क्या होता है कि बहुत बार सोलो में कैम करके बंदे बैठते हैं तो इजी आपको वहाँ पे मार सकते हैं। और ज्यादातर जब भी व्हीकल उठाओ तब आसपास से देख लेना, बहुत सारे बंदे व्हीकल पर भी कैम करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख के खेलना है। बाकी भाई देखो जो भी फिलहाल लो टायर पे, ठीक है, उनको क्या करना है, सिंपल सा ना एक अच्छा खासा प्लस करने के लिए एक अच्छे खासे किल करने पड़ेंगे। तो भाई देखो आपको थोड़ा बहुत तो रस खेलना पड़ेगा। अगर आप स्टार्टिंग में अगर 4-4 जोन बार होल्ड करते हो ना तब भाई आपकी केडी भी खराब हो जाएगी, साथ ही आपका कॉन्क्रीट बहुत लेट लगेगा, क्योंकि अगर आपको एक अच्छा प्लस करना है तो अच्छे किल के साथ एक अच्छी पोजीशन निकालनी बहुत जरूरी है। तो सिंपल सा आपको ना थोड़ा बहुत रस खेलना है, थोड़ा बहुत रिस्क लेना है, ठीक है। और लो टायर पे इतने हैकर भी नहीं आते जितने हाई टायर पे आते, तो आप अगर लो टायर से स्टार्ट कर रहे हो तो भाई थोड़ा बहुत रस खेल के 2-3 जोन, अगर मान के चलो 2 जोन भी बाहर रहते हो ना, अगर आपको एक अच्छा माइनस खाने से बचना है तो आपको क्या करना है कि 2 जोन बाहर रहना है, ठीक है। उसके बाद आप सेंटर होल्ड कर सकते हो या फिर बंदों को एज पर ढूंढ के भी मार सकते हो, ठीक है, क्योंकि एज पर हैकर बहुत ही कम रहते हैं, जितने भी हैकर रहते हैं सेंटर के आसपास में ही रहते हैं। सो इस बात का भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रख के खेलना है। बाकी भाई देखो आप ना ज्यादा नहीं खेल सकते, 6 घंटे ही खेल सकते हो, हर कोई बंदा इतना ही खेल सकता है। तो भाई देखो ज्यादा दिन का प्लस जा ही नहीं रहा है, ठीक है, आराम से कॉन्क्रीट लगा सकते हो। भले इस बात जो मतलब कि रिकॉलर है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इजी एक अच्छा खासा प्लस निकाल सकते हो बिकॉज बंदे इतना नहीं खेल पा रहे। तो गाइस पहले क्या होता था कि बंदे रात को भी खेलते थे और दिन को भी खेलते थे, इसलिए उनके पॉइंट बहुत जल्दी बढ़ते थे और टायर भी बढ़ता जाता था, ठीक है। तो बहुत सारे मतलब कि नल्लों की तरह खेलते रहते थे। अब यहाँ पर इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, इस बार आप भी उतना खेल सकते हो जितना वो बंदे खेल पाएंगे, मतलब कि हर किसी के पास 6 घंटे का तो एटलीस्ट टाइम हो गई होगा, कितना भी क्यों ना हो। लेकिन अगर आपको रैंक पुश करना तो 6 घंटे का टाइम तो आप निकाल ही सकते हो, इससे ज्यादा तो आप खेल ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है। तो भाई जितना वो प्लस कर सकते हैं उतना आप भी प्लस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि आपके पास एक लिमिट टाइम है, इसलिए आपको किसी भी हालत में माइनस नहीं खाना है। अगर आप बिल्कुल भी थोड़ी सी बकचोदी के चक्कर में माइनस खाते हो, फालतू का रस करते हो, फालतू में बकचोदी करते हो, फालतू में टाइम वेस्ट करती हो, तब भाई आपके कॉन्क्रीट लगने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए भाई आपको ना सिंपल सा टाइम वेस्ट नहीं करना है, डेली का एक टारगेट फिक्स कर लेना है। अगर आप डायमंड पर खेल रहे हो कम से कम मिनिमम 200 का प्लस करो, अगर आप क्राउन पर खेल रहे हो तो भाई कम से कम 150 का प्लस करो, एस पर खेल रहे हो तो मिनिमम 100 का तो प्लस करना है। आप ज्यादा कितना भी प्लस करो वो अलग बात है, लेकिन मिनिमम आपको इतना तो प्लस करना है किसी भी हालत में।
तभी आप कॉन्केर लगा पाओगे। अगर आप खेल रहे हो एस पर दिन का 10 या 15 या 20 का प्लस निकाल रहे हो तो भाई देखो दिन का एस पर भी 50 या 100 पॉइंट तो बढ़ता है, ठीक है। तो भाई जितने कॉन्केर के लिए पॉइंट है उसके करीब कब पहुंचोगे तब वहां पर आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती है। इसलिए आपको ना एक टारगेट लेके खेलना है, उतना प्लस किसी भी हालत में करना है, भले जोन के बाहर रहो अंदर रहो कैसे भी खेलो, लेकिन आप एक टारगेट लेके खेलोगे ना तो 100% आपका कॉन्केर लगेगा ही लगेगा। और भाई देखो मैंने बहुत नोटिस किया कि बहुत सारे बंदों को हैकरों से बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है, और भाई देखो टाइम कम है तो लोग हैक भी लगा रहे, तो भाई ये गलती मत करना। अब भाई देखो इस बार हैकर भी इतने नहीं आएंगे क्योंकि बहुत सारे जो हैकर होते हैं वो 6 घंटे पहले ही खेल लेते हैं, तो भाई जरूरी नहीं है जिस टाइम पर आप खेल रहे हो उसमें उतने हैकर आएंगे जितने पहले आ रहे थे। तो इस बार भी हैकर इतने नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी अगर हैकरों से दिक्कत आ रही है ना तो भाई मैंने इसका सॉल्यूशन भी बता दिया कि आपको कम से कम 3 से 4 जोन बाहर होल्ड करना है, अच्छे खासे बैंडेज रखो, अच्छे खासे हेल्थ किट रखो, उसके बाद एज टू एज खेलो, एक अच्छा खासा पोजीशन निकलता है। अगर टॉप 5 भी निकाल लेते थोड़े बहुत किल के साथ तब भी आपको एक अच्छा खासा प्लस मिलेगा, बिकॉज इस बार इतने पॉइंट अभी भी नहीं है, बहुत ही कम पॉइंट पर कॉन्केर का टाइटल मिल रहा है। सो हर कोई इस बार इजी कॉन्केर का टाइटल लगा सकते हो। बाकी भाई देखो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अब यहाँ पर मेरा एक आखिरी बंदा बचा हुआ था। अब भाई देखो ये गेम प्ले थोड़ा लो टायर का था इसलिए बंदे इसमें इतने अलाइव नहीं है, लेकिन भाई देखो इस आईडी को मैंने 2 दिन पहले ही खेलना स्टार्ट किया, दिन के 4-5 गेम खेलता हूँ और इस आईडी में भी बहुत ही जल्द कॉन्क्रीट लगा दूंगा। अब भाई देखो यहाँ पर सिंपल सा मेरे को लास्ट बंदा भी मिल जाता है और इसको भी मैं मार देता हूँ।